Dear students, hope you are well and safe. First of all, I would like to ask you about your exams. Hope you all are working hard and appearing for the exams with vigor and honesty. Dear students, मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज देश में फैली अशांति, अराजकता के इफेक्ट्स हमारी फैमिलीज पर भी पड़ रहे हैं. आप सब कल देश के कर्णधार बनेंगे. ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या आपका खून खौलता है जब आप अपनों के साथ अन्याय होते देखते हैं. यदि हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन भी आपके हाथ में है. आप पूछेंगे कि कैसे, तो सुनो. अगर वसंत वैली के सभी स्टूडेंट्स आदर्श गुणों को अपनाएंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो आने वाले समय में अपनी संख्या से 10 गुना अधिक नागरिकों को आदर्शवादी बनाओगे. वे सभी नागरिक आगे आगे कड़ियां जोड़ते जाएंगे. और हम सभी धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, तो कोई भी धर्म अनैतिकता की सीख नहीं देता. आप जीवन में चुनौतियों को तभी स्वीकार कर पाएंगे यदि आपका मनोबल मजबूत होगा. मनोबल मजबूत बनाने के लिए हमें सत्य, ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है. धोखे से कमाया धन, मान सम्मान या विद्या एक दिन हमारे सत्कर्मों को भी डुबो देते हैं. तो आज विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य केवल ज्ञान अर्जन करना है, ताकि संविधान के पेचीदा नियमों, कानूनों को जान सको. यह तभी संभव है जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई में मन लगाओगे. वीकली टेस्ट, क्लास टेस्ट, टर्म्स, प्री एनुअल्स आपके फाइनल एग्ज़ाम की नींव है. नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत बनेगी. तो मेरे कहने का भाव यह है कि आज दृढ़ संकल्प लें कि आप कोई भी पेपर या टेस्ट हल करने और अधिक अंक प्राप्त करने के लोभ में नकल नहीं करेंगे. मन में बिठाओ कि परीक्षा हमारी कमियों की परख करवाने का साधन है. छोटी कक्षाओं में अंकों को बटोरने पर मत जाओ, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने पर जोर दो. अगर ज्ञान परिपक्व होगा तो अंक स्वयं आ जाएंगे. यह मत सोचो कि मेरा साथी नकल करके मुझसे अधिक अंक ले लेगा. बच्चे, गॉड इज़ एवरीवेयर. वह हम सबको देख रहा है. यदि यह धारणा रखकर मन को काबू करोगे तो गलत काम कभी न करोगे. आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, तो कोई पॉलिटिशियन. बस हर क्षेत्र में जहाँ ईमानदारी होगी तो धरती पर ही स्वर्ग है. यही माता पिता के साथ रहकर ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से अधिक सुखी जीवन व्यतीत करोगे. माता पिता से भी मेरा अनुरोध है कि वे अपने बच्चों पर अंकों के लिए दबाव ना बनाए. उन्हें अपना क्वालिटी टाइम दें, उनकी पढ़ाई का समय निश्चित करें, उनकी शिक्षा संबंधी कमियों को जानें, बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वह अध्यापक से डिस्कस करें. आप स्वयं भी डिस्कस करने का प्रयत्न करें. आने वाले समय में वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी. आशा है आप समझ गए होंगे कि गुड सिटीज़न बनने की पहली कोशिश है पढ़ते खेलते, परीक्षा देते समय ईमानदारी और परिश्रम से काम करना. हार जीत, सफलता असफलता से न डरना, बल्कि गलतियों से सीखकर आगे ही बढ़ना होगा. धन्यवाद. जय हिंद.